नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सिंघाड़ा और फूल गोभी की स्पाइसी सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने लिए हैं 1 kg सिंघाड़ा और इनको धो लेना है अच्छे से और उनको साफ़ कर लेना है अच्छे से। सब्जी बनाने के लिए हमें इस तरीके से कच्चे सिंघाड़े ही लेने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं नहीं तो उनकी सब्जी अच्छी नहीं बनती है। इसमें जो कांटा होता है वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से इनके हमें छिलके उतारने हैं। हमने क्या करना है, हमने एक चाकू ले लेना है। चाकू की मदद से हमने क्या करना, इस तरीके से छिलके को इस तरीके से निकालना है। फिर हमने क्या करना, आप हाथ से भी निकाल सकते हो, अगर हाथ से नहीं निकल रहा है तो आप चाकू की मदद से भी छिलका इस तरीके से निकाल सकते हैं। छिलका इसका बहुत आसानी से निकल जाता है और बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं होता। जब सिंघाड़ा बहुत पका हुआ होता है तो उसका छिलका जो है हमारे हाथ से नहीं निकलता है। जब ये सिंघाड़ा हम निकालते हैं तो इसकी जो अंदर एक पतली सी लेयर होती है वो भी हमने इस तरीके से चाकू की मदद से निकाल देनी है, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो हमारी सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से क्या करना है, हमने सारे सिंघाड़े निकाल लेने हैं। ये फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि किस तरीके से कांटा भी इस तरीके से सिंघाड़े में तो निकालना है। इसको क्या करना है, चाकू से हम इस तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से हटा देंगे, फिर चाकू की मदद से हम सिंघाड़े के छिलकों को उतार देंगे। और ये छिलका इतना मुलायम है कि इसकी आप सब्ज़ी जो बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस तरीके से हम सारे सिंघाड़े निकाल लेंगे इस तरीके से, और इनके छिलके निकाल के रख लेंगे। और हमने ली है 1 गोभी। गोभी को हमने धो लिया है अच्छे से। धोने के बाद इसको क्या करना है, कट करना है, और इसको बहुत छोटा छोटा नहीं करना है। इसके पीस थोड़े इस तरीके से दिखा रहे हैं मैं आपको, इस तरीके से रखने हैं साबुत, और बहुत छोटे नहीं करना है। ये सिंघाड़े हैं, इनको क्या करना है, हमको 2 पीस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करना है हमने। ये हैं सिंघाड़े के छिलके और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप इनकी सब्जी बना सकते हैं। ये मैंने सिंघाड़े के 2 टुकड़े कर लिए हैं, इस तरीके सारे करके रख लेना है। ये मैंने लिया कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, उस सरसों तेल में मैंने क्या करना है, पहले गोभी को हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। जब ब्राउन हो जाएगी तो हमने सब गोभी को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने ज़्यादा रेड नहीं करनी है, ब्राउन ही रखनी है। अब हमने क्या करना, उसी तेल में ही हमने सिंघाड़े को भी डाल देना है और उनको भी हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। गैस को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, इनको मिडिल आंच पे ही हमने इस तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्रेंड देखिए, इस तरीके से ब्राउन हो गए, हमने उसके सिंघाड़ों को निकाल लेना है। और जो तेल बचा हुआ है उस तेल में ही हमने क्या लेना, 1/2 चम्मच हमने लिया है जीरा, और इसमें बहुत ज़्यादा तेल हमें ऐड नहीं करना है। ये मैंने लिए हैं कुछ कड़ी पत्ते, इनका भी तड़का देना है मुझे। और ये लिए मैंने 3 मिडिल प्याज, 3 टमाटर, 3 हरी मिर्ची और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट नहीं बनाना है, इनको हमने काट लेना है। पेस्ट बनाना है अदरक लहसुन का, 3 से 4 कलियां लहसुन की ले लीजिए, छोटा टुकड़ा अदरक का, और उनको आपस में हमने घर में ही इसको कूट लिया है, घर में ही पेस्ट बनाया हुआ है। आप चाहे तो आप मार्केट का भी पेस्ट ले सकते हैं। अब इसमें प्याज डाल देना है, प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक इसमें मिडिल आंच पे ही भूनना है। गैस को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तब हमने दूसरे मसाले इसमें डालने हैं। अब डाल देने इसमें हरी मिर्ची, हरी मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, उसको भी थोड़े 2 मिनट तक उसको भून लेना है। अब इसमें डालनी है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लेनी है मुझे धनिया पाउडर 2 चम्मच लेना है, 1 चम्मच हल्दी लेनी है, नमक 1/2 चम्मच लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो, और इसमें आप लाल मिर्ची भी आप ऐड कर सकते हो अपने स्वाद के अनुसार। मैंने हरी मिर्ची ली है इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्ची ऐड नहीं की है। अब डाल देने हैं मैंने जो टमाटर कट करके रखे हुए थे वो उनको डाल देने हैं। टमाटर को भी अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेना है। फिर 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन बंद करके कढ़ाई को इसी तरीके से छोड़ देना है, पानी ऐड नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद इस तरीके टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, और इस तरीके से हमारे मसालों में ही टमाटर को इस तरीके से मिक्स कर देना है। इस तरीके से टमाटर हमारे मिक्स हो जाएंगे मसाले में। अब हमने इसमें सिर्फ डालनी है 1 पिंच दालचीनी पाउडर, सिर्फ 1 पिंच दालचीनी पाउडर डालना है, और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, काली मिर्ची, लौंग, इलायची कुछ भी नहीं डालना है। इस तरीके से सब्ज़ी हमने इसमें डाल देनी है, और फिर हमने इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए कढ़ाई को ढक करके छोड़ देनी। गैस को बहुत ही कम आँच पर रखना है, बहुत ही ज़्यादा तेज आँच पर नहीं रखना है। बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसालों से ये सिंघाड़ा और गोभी की सब्ज़ी
बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए। एक बात का खास ध्यान रखें, जो कच्चे सिंघाड़े होते हैं उनको उबालना नहीं चाहिए, उनका छिलका उतार के ही सब्जी बनाना चाहिए, और जो पके हुए सिंघाड़े होते हैं जो टाइट हो जाते हैं उनको उबाल कर ही सब्जी बनानी चाहिए, क्योंकि कच्चे सिंघाड़ों को अगर उबाल लेंगे तो उनकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।